कोई भी हो, उसका एक पर्सनल एजेंडा है, पहले उसकी पर्सनल जिंदगी आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही इज अ पार्ट ऑफ दैट उपभोक्तावाद जिसके बारे में बता रहे थे। समाज के बारे में अभी तक उनके मेंटेलिटी में वो नहीं आए, उनके घर में अगर दो एसी है तो तीसरा एसी लगवाना है, दैट इज देयर टारगेट। बट द मोमेंट, जैसे मैं रामकृष्ण विवेकानंद मिशन का बहुत सीनियर मेंबर हूँ, अगले साल हम लोग का एक साल का प्रोग्राम है, मैं आचार्य जी से उसके बारे में बात भी करूंगा, एक साल हम लोग को बिहार में हर जिला के हर स्कूल में हर कॉलेज में डिबेट कराना है, एलोकेशन कराना है, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन कराना है, पेड़ पौधे लगाने, बहुत सारे प्रोग्राम है, मैं चिट्ठी भी दूंगा। तो रामकृष्ण विवेकानंद मिशन, जैसे मैं बोलता हूँ संजीव श्रीवास्तव, लोग सकते हैं हाँ भाई विवेकानंद जी का बहुत बड़ा चेला है। विवेकानंद जी इसलिए नहीं खुश होंगे कि मैं उनका चेला हूँ, विवेकानंद जी तब खुश होंगे जब वो देखेंगे कि हाँ इस बंदे ने भी काम किया जमीन पे। तो इसलिए मैं आपको दोबारा बोलूंगा, इन दोनों की बातों को रिपीट करते हैं कि everybody is having his own personal agenda which you have to kill। क्योंकि मैंने आपको एक बात बोला था कि पैसे की एक बहुत ही लिमिटेड लाइबिलिटी, एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद पैसा जहर बन जाता है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरा परिवार सिर्फ 15,000 रुपए में चल सकता है, उसके बाद ज्यादा लालच करना हवस है, उसके बाद आप सोचिए, अब आप ये सोचें कि आपके गांव के लिए मैं आपके सामने हजार कम से कम 15 लड़के ऐसे खड़ा कर सकता हूँ जिन्होंने अपने गांव के लिए काम किया, मैंने उनको सपोर्ट किया मगर उन्होंने अपने गांव के लिए काम किया। तो अब आप लोग को ये सोचना है कि यहाँ से निकलने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपना पर्सनल जिंदगी के लिए एक नौकरी खोज के चले जाएंगे, आप अपने गांव में रह के सामाजिक उद्यमिता को करते हुए अपने और अपने गांव की भलाई करें। उसमें आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, आचार्य जी हैं, आप उनसे बात करें, हम लोग से जो भी सपोर्ट बनेगा हम लोग जरूर करें, क्योंकि ये हमारा बिजनेस मॉडल है। बेसिकली आप जिस भी जिला में जाते हैं हम वहाँ, हाँ कहीं फेल होते हैं, कहीं अच्छा होता है, कहीं खराब होता है, कहीं लड़के इंजीनियर पढ़ के आए और करने लगते हैं काम, छह महीने बाद छोड़ के भाग गए, ऐसा भी हुआ कि किसी को शादी के लिए लड़की नहीं मिलती है। हाँ ये बिहार की बहुत बड़ी समस्या है। हमारा एक लड़का था, ही वाज इंजीनियर, वो छह महीने बाद काम छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके साथ कोई लड़की शादी, किसी कोई परिवार शादी नहीं करना चाहता, और वो जाके HDFC बैंक में नौकरी की, और नौकरी करने के बाद उसकी शादी। जो बिहार में मेरे, देखिए मैं कभी बिहार में रहा नहीं, मेरे पिताजी हमेशा मुझे बाहर, अभी भी पिताजी उड़ीसा में, तो जो मेरे साथ हुआ है मैं सिर्फ वही सुबह से जो बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। अब इसमें से क्या सीखना है क्या छोड़ना है ये आप लोग की मर्जी, और कुछ नहीं। हाँ किसके बारे में? हाँ देखिए, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे मैंने ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम लोगों ने जो भारत बिहार सरकार को मॉडल दिया है, जिस व्यक्ति का भी 2.5 एकड़ का तालाब है, हमने क्या किया मैं वो समझा देता हूँ, बाकी इतना मैं आपको खुद अंदाजा लगाना होगा। 2.5 एकड़ के एक तालाब में 2 हॉर्स पावर का हम लोगों ने पंप लगाया है, और मछली के 3-4 किस्म होते हैं, एक होता है पोस्ट लार्वल स्टेज, एक होता है फिंगरलिंग, एक होता है हेयरलिंग। हेयरलिंग का मतलब होता है मछली का माथा बड़ा हो जाता है, शरीर छोटा रहता है, उसको बहुत ही कम जगह में कम पानी में कम खाने में सिर्फ जिंदा रखा जाता है। वो हेयरलिंग का एडवांटेज क्या होता है कि वो फिर मछली तालाब में जाने के बाद मरती नहीं और बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने 1 एकड़ के तालाब में 4,000 हेयरलिंग स्टॉक किया और सोलर पंप से सिर्फ पानी उनको दिया और खाना आर्टिफिशियल दिया और पानी उन लोगों को बाहर से दिया 40% एवरीडे। एक एक मछली 4 महीने में 1 किलोग्राम की हुई है। सराय रंजन अगर आप जाएंगे तो आप वहां देख सकते हैं, सराय रंजन में आप जाके देख सकते हैं, एक एक मछली 4 महीने में 1 किलो की हुई है, टोटल 4,000 kg। उस हिसाब से जिस दिन उस किसान ने बेचा था उस दिन सारे बिहार सरकार के मंत्री से लेकर सभी लोग वहां पे थे। तो अब वो बोल रहे हैं 2.5 लाख का फायदा हुआ, मगर मंत्री जी उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जब भी हिसाब लगाते थे उनको समझ में नहीं आता था कि इस किसान ने 1.5 लाख रुपए खर्चा काम किया। वो बोलते थे कि तुम्हारा 70,000 रुपए खर्चा हुआ, किसान बोलता था मेरा 1.5 लाख खर्चा हुआ, तो हमने किसान की बात नहीं मान ली तो 2.5 लाख रुपए का उसका फायदा हुआ। और मत्स्य पालन बिहार के हर जगह हो सकता है, क्योंकि बिहार में आपको एक चीज है, पानी है, मिट्टी है और आदमी है। आज हमारे यहाँ के लोग पूरे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम लोग जहाँ से भी, हमारी इंडस्ट्री में जहाँ से भी लोग लाते हैं बिहार के लड़के हो,
तो जब आप बाहर जाके आप लोग कर सकते हैं तो आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है मछली का मार्केट बिहार में बहुत बढ़िया है, क्यों अंडे का मार्केट बिहार में बहुत बढ़िया है, हर चीज का मार्केट आपके यहाँ उपलब्ध है, सब चीज तो बाहर से आ रही है, तो आपको उसमें चिंता करने आते हैं। अब मुझे कलकत्ता निकलना है बाय रोड, और किसी को कुछ पूछना है तो आपको पूछ सकते हैं, मगर जरा जल्दी करें। थैंक यू।